चल रहा है तो जैसे बादल की छांव हो जाती है ना, वैसी छांव हो जाती है, ऐसा लगता है दूर से देख के कि आंधी आ रही है, इतने बड़े बड़े दल ये चल रहे हैं। तो इनका तो ये कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं है। सुबह 8-9 बजे के बाद वो मूवमेंट करना चालू करता है, तब तक हम जितनी अधिक संख्या में हो सकता है उसको मार के कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे धूप तेज होते जाती है टिड्डियाँ मूवमेंट करना शुरू कर देती है, और इनके अंडे देने के लिए ये रेतीली ज़मीनों में अंडे देती है। जैसे हमारे क्षेत्रों में कुछ किसान भाइयों की ये भ्रांति भी रही है कि ये हमारे खेतों में अंडे दे जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ पे काली भारी मिट्टी है जिसमें कि वो अंडे देना संभव नहीं हो पाता है उनका। और यदि हमारे खेतों के आसपास कभी कहीं रेतीली ज़मीन पे अंडे दे भी दिए हैं तो हमारे जो नॉर्मल पेस्टिसाइड स्प्रे के शेड्यूल रहते हैं, किसान जो नॉर्मली रूप से पेस्टिसाइड का स्प्रे करता है उसके द्वारा ये आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। इसके लिए किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा की टप्पा तहसील शिवपुर के अंतर्गत आने वाले कई ग्रामों में टिड्डी दल पहुंचा था, जिसके बाद जिला प्रशासन सहित स्थानीय प्रशासन ने एक साथ मिलकर अलग अलग गांव में टीम गठित कर टिड्डी दल का रेस्क्यू किया था। रविवार देर रात कृषि मंत्रालय भारत सरकार के इंदौर स्थित वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर से आए वैज्ञानिक रवि कुमार छापरे ने सोमवार सुबह शिवपुर के टिड्डी प्रभावित इलाकों में पहुंचे और प्रशासन से टिड्डियों की जानकारी ली। उन्होंने गांवों में टिड्डियों का निरीक्षण कर ये भी बताया कि ये बहुत ही छोटा दल है जो भटक गया है। मैं रवि कुमार छापरे, कृषि मंत्रालय भारत सरकार के इंदौर स्थित सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर से यहाँ आया हूँ रात में। जैसे कि हमें सूचना मिली थी कि होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा तहसील में जो आपका शिवपुर थाना क्षेत्र है इसके आसपास के कुछ गांव जो अर्चना गांव, लुच गांव, रामगढ़ और उमरिया पापन, इन क्षेत्रों में कुछ टिड्डी दल का अटैक हुआ है। तो जैसा यहाँ आने के बाद मैंने देखा यहाँ पे टिड्डी दल का जो है बहुत छोटा सा एक हिस्सा आया था, जो बहुत जगह से कंट्रोल होने के बाद बच जाता है वो वाला हिस्सा आया था, जिसमें किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटा सा हिस्सा है। शासन प्रशासन पूरी तरह से जिले का भी और आपके सब डिवीज़न का भी पूरी तरह से मुस्तैद है, रात भर से तैयारियां करते रहे ये लोग और सुबह सुबह इन्होंने 4 बजे से लेकर सुबह 9-9:30 बजे तक इसको कंट्रोल करा, और जहाँ तक है लगभग 80-85% तक ये कंट्रोल हो चुका है। और आने वाले दिनों में जो अगले 1 या 2 दिन है इसमें कहीं कहीं छुटपुट में दिखाई दे सकता है, जिसमें किसान भाइयों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके क्षेत्र की जो फसलें हैं जिसमें अधिकतर एरिया मूंग का सिंचित एरिया है इसमें भी इसका ज़्यादा प्रकोप अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये छोटा हिस्सा है तो बड़े बड़े पेड़ों पर ऊपर ही ऊपर बैठ रही है, नीचे ज़मीन पर बैठकर फसलों के ऊपर ज़्यादा हानि नहीं पहुंचा रही है। साथ ही साथ इसको कंट्रोल करने में हमको यहाँ के संबंधित जो क्षेत्र है यहाँ के किसानों से भी और जनप्रतिनिधियों से भी बहुत अच्छा सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हमें मदद की और उसको कंट्रोल करने में अपनी सहभागिता दिखाई है। और कुछ किसानों की भ्रांति थी कि ये बहुत जल्दी यहाँ अंडे दे देगा, तो इसलिए ये भी किसानों को अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी ये 10 से 12 दिन अंडे देने की अवस्था में नहीं है, जिसके कारण कि किसान भाइयों को घबराने मतलब आगे के लिए भी सुरक्षित है। और अगर कहीं किसान भाइयों को ये दिखाई देता है छोटी मोटी पेचेस में तो अगर वहाँ पे प्रशासन की पहुँच संभव नहीं है तो किसान भाई स्वयं भी इसको अपने पास स्थित यंत्रों से छिड़काव यंत्रों के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें किसान भाई लेमडा साइलोथ्रिन 5% इसी का 1 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई ट्रैक्टर माउंटेड पावर स्प्रेयर हो उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर पेड़ की हाइट ज़्यादा है तो उसमें बांस को बांध के उसको थोड़ा सा लंबा कर ले और ऊंचाई पे इसको छिड़काव कर सकते हैं। ये टिड्डियों का दल हमारे देश में जो है बेसिकली ईरान से पाकिस्तान के रास्ते होते हुए राजस्थान से प्रवेश करता है, जिसको कि हमारी जो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन से वहीं पे बॉर्डर एरिया में ही रोकने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कुछ दल बड़े हो जाते हैं तो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पाते हैं और वो आगे की तरफ मूवमेंट करने लगते हैं। और फिर मध्य प्रदेश में आने के बाद बहुत सारा जंगल क्षेत्र भी वन क्षेत्र भी हमारे यहाँ पर लगता है, तो इसमें से ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो हमारे और सभी टीमों की कोशिश ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहीं पे ऑपरेशन करके वहीं पे रोक दिया जाए ताकि ये अंदर प्रवेश न करे।
उसके लिए हम लोग सभी जगह किसानों को अलर्ट पे रखे हुए हैं कि दिन के समय पे वो टिड्डियों को अपने खेतों में न बैठने दें, और शाम के समय 6 बजे 6:30 बजे के बाद वो जिस जगह पे सेटल होती है, रात्रि विश्राम जहाँ पे करती है, हम लोग पूरा प्रशासनिक अमला संबंधित जिले का और केंद्रीय टीम वहाँ पे पहुँचती है और त्वरित कार्रवाई उसके ऊपर की जाती है। सुबह 4 बजे से 3-4 बजे से हम उसके ऊपर छिड़काव करते हैं। सुबह 8-9 बजे के बाद वो मूवमेंट करना चालू करता है, तब तक हम जितनी अधिक संख्या में हो सकता है उसको मार के कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। टिड्डियों के मूवमेंट का जो समय है वो अधिकतर सुबह 8 बजे के बाद जैसे जैसे धूप तेज होते जाती है टिड्डियाँ मूवमेंट करना शुरू कर देती है, और इनके अंडे देने के लिए ये रेतीली ज़मीनों में अंडे देती है। जैसे हमारे क्षेत्रों में कुछ किसान भाइयों की ये भ्रांति भी रही है कि ये हमारे खेतों में अंडे दे जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ पे काली भारी मिट्टी है जिसमें कि वो अंडे देना संभव नहीं हो पाता है उनका, क्योंकि उनका जो ओवी पोजिशन है वो ज़मीन में 6 इंच नीचे गहरा गड्ढा करती है अपने पेट के ओवी पोजिशन से और उसके अंदर अंडे देती है। तो भारी मृदाओं में ये भारी मिट्टियों में ये अंडे देना प्रेफर नहीं करती है, ये रेतीली ज़मीनों में अंडे देती है, तो हमारे खेत अभी इससे सुरक्षित रहेंगे। ये आपका बहुत छोटा सा दल है, ये मूवमेंट नहीं करता है। जो बड़े बड़े दल रहते हैं लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के या उससे बड़े, वो मूवमेंट करते हैं। ये छोटे छोटे जो दल रहते हैं ये बिछड़ जाते हैं या मरने के बाद थोड़े से बच जाते हैं, तो ये उन्हीं एरियों में अधिकतर सेटल हो जाते हैं या उन्हीं एरियों में अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये आपका बहुत छोटा सा दल था जिसमें से भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है आज की ये जो ऑपरेशन किया गया जिला प्रशासन के द्वारा उसमें पूरी तरह से कंट्रोल हो गया है। बहुत छोटा सा हिस्सा बचेगा जिसके लिए मतलब उसके मूवमेंट करने की कोई संभावना नहीं है। अंडे से टिड्डी निकलने में मतलब जो पहले छोटे छोटे निम्फ निकलते हैं बहुत छोटे छोटे जिसमें कि 7 से लेके 15 दिन का मौसम के अनुसार समय लग सकता है, और उसमें से निकले हुए निम्फ भी तुरंत नुकसान बहुत अधिक मात्रा में नहीं करते, बहुत छोटे रहते हैं, वो उनमें पंख नहीं रहते हैं, वहीं की वहीं वो छोटी छोटी झाड़ियों पे खाते हैं। और यदि हमारे खेतों के आसपास कभी कहीं रेतीली ज़मीन पे अंडे दे भी दिए हैं तो हमारे जो नॉर्मल पेस्टिसाइड स्प्रे के शेड्यूल रहते हैं, किसान जो नॉर्मली रूप से पेस्टिसाइड का स्प्रे करता है उसके द्वारा ये आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। इसके लिए किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है।